और ऊपर लगा लीजिएगा थोड़ा तो रहेगा थो हाँ रहे जी थोड़ा ऊपर और लगा लीजिएगा दूसरे बटन के पास जी और ऊपर जी ये बस इतना ठीक है एक बार हम चेक कर लें वॉइस हाँ। तो मंगल हो कल्याण हो मंगल हो ठीक है जी जी सर बेटी जब हम उत्तर देवे तो तुम्हारा नाम लेके देवे यार कैसे देवे? जी नहीं नाम ना लें ना ले। और जैसे आप किसी बड़े ग्रुप को जैसे संबोधित करते हैं मगर ये जरूर है कि आप हमारी तरफ ही देखें क्योंकि दो कैमरेज में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा किस तरफ लुक आ रही है कैमरे की ओर तो देखते ही नहीं कभी मैं हम ऑडियंस तो को देखते हैं पूरी ऑडियंस तो है तेरी और देखेंगे मैं तो वैसे ही आपकी भक्त हो गई हूँ मैंने टेप सुनी है तो ऐसे जैसे ब्रेन वॉश हो जाता है किसी का बिल्कुल हम लोग काफी आपके टेप्स देख रहे थे क्योंकि ये लोग रिकॉर्ड करके लाते थे तो हम लोग देख रहे थे अच्छा, अच्छा है, रास्ता ही ऐसा है जी इसे भी निकाल दे ठीक लग रहा है जी लग लग रहा है विद्वान नहीं है तो भी लगेंगे जरा विद्वान है पढ़ता लिखता होगा इससे <laughs> ज्यादा ज्ञान और कहाँ आ सकता थोड़ा ऊपर लगता है जैसे से अच्छा लुक ऊपर आ रही <laughs> जब आप संबोधित करें थोड़ा सा जैसे आप नॉर्मल क्राउड में थोड़े पॉजेज वगैरह लेते हैं इसमें इतना रुके ना क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो थोड़ा क्योंकि व्यूअर की इंटरेस्ट रहे थोड़ा सा थोड़ा जल्दी बोलिएगा इसमें क्योंकि आप समझा कर बोलते हैं उनको थोड़ा सिंकिंग टाइम जिसे कहते हैं देते हैं इसमें हम तो, आप पॉज ना इतने लीजिएगा हम तो चाहेंगे लोगों के हृदय में चला जाए जाएगा ना चलो ठीक है करेंगे जैसे लोग रोलिंग स्वामी जी विपासना का अर्थ क्या है पहली बात तो ये कि हम स्वामी नहीं है गृहस्थ है और गृहस्थ होने का इतना मोटा प्रमाण साथ रखते हैं विपासना का अर्थ भारत में क्योंकि 2000 वर्षों से लुप्त हो गई अब आई है तो लोगों को बिल्कुल नई सी लगती है विपश्यना ये इसका संस्कृत उच्चारण है विपस्ना ये पाली उच्चारण है लेकिन मैं देखता हूँ जगह जगह विपासना विपासना ये क्योंकि उपासना एक शब्द ऐसा है जो अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत प्रयोग होता है तो उसी के साथ जोड़ करके विपासना उससे कोई संबंध नहीं विपस्ना पसना कहते हैं देखने को विपस्सना विशेष रूप से देखना जो बात जैसे प्रतीत होती है वैसे नहीं जो बात जैसे आभाषित होती है वैसे नहीं जो बात सचमुच जैसे है उसको अपनी अनुभूतियों के स्तर पर देखना माने जानना ये भी प्रश्न है अगर इसमें क्या करना पड़ता है इसको पाने के लिए क्या अध्यात्म करना पड़ता है किस तरह से रहना पड़ता है जीना पड़ता है एक अध्यात्म शब्द और अपने यहाँ 2000 वर्षों में इसके अर्थ बदल गए दो वर्ष पूर्व की भारत की भाषा में अध्यात्म कहते हैं अपने भीतर तो अपने भीतर की सच्चाई को जानना है तो अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए कोई कल्पना तो करनी नहीं पढ़ी पढ़ाई बात से कोई लेन देन नहीं सुनी सुनाई बात से कोई लेन देन नहीं बस बैठ गए पालथी मार करके आराम से बैठ गए जैसे भी आँख बंद है अब शरीर से कोई काम करनी रहे अब क्या घटना घट रही है हमारे शरीर में तो सबसे पहली घटना जो सामने आएगी वो ये सांस चल रहा है आ रहा है जा रहा है बस यहीं से काम शुरू कराते हैं लेकिन लोगों को जब शिविर में इकट्ठा करते हैं दस दिन के लिए तो एक नियम जरूरी है कि वहाँ रहते हुए वो पांच शील का पालन करें यानी वाणी से और शरीर से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो अन्य प्राणियों की हानि होती हो क्योंकि जब जब ऐसा करेंगे तब तब मन में बहुत जोरों का तूफान जैसा उठेगा तूफान उठेगा तो हम अपने भीतर की सच्चाई का अनुसंधान करने के लिए गहराइयों में जा ही नहीं सकेंगे इसलिए ज़रूरी है दस दिनों तक उसके आगे तो खुद वो इस रास्ते पर चलता है तो पालन करता है पर दस दिन ये अनिवार्य है और काम सांस से शुरू कराते हैं आज की जो जिंदगी है उसमें इतना स्ट्रेस है इतना कंपटीशन है इतनी एम्बिशन है उस सबको हटाने के लिए क्या करना चाहिए बिल्कुल ये इस तरह से कोई आदमी सब छोड़कर एक बैठ जाए और ध्यान बिल्कुल, करे बिल्कुल बिल्कुल नहीं इस काम के लिए नहीं है ये जो हम अतियों में चले गए हमारी ज़रूरतों को पूरी करना कोई बुरी बात नहीं आदमी को प्यास लगे और वो कहे हमको पानी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो विपसना वाले हैं या बड़े अध्यात्म वाले हैं हम काये हाय हाय करें पानी नहीं चाहिए गलत बात होगी प्रकृति के नियमों के अनुसार हमको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी होगी और विशेष करके गृहस्थ हो गृहस्थ को हाथ नहीं पसारना चाहिए सन्यासी हो जाए भिक्षु हो जाए मुनि हो जाए अलग बात है हाथ पसारेगा ही गृहस्थ को नहीं उससे तो ईमानदारी के साथ मेहनत करके धन उपार्जन करना है ताकि अपना भरण पोषण कर सके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और जो ज़्यादा हो तो समाज के काम आए तो जब मेहनत करनी है तो किस ढंग से करें अतियों में जाने लगे कि इतना बावला हो गया केवल धन चाहिए केवल धन चाहिए केवल धन चाहिए न रात की नींद है न दिन में चैन है तो क्या कमाया वो धन हम चाहते हैं कि देश कंगाल न रहे खूब देश में समृद्धि हो लेकिन ऐसी हालत भी न हो जाए कि जैसे विदेशों में पश्चिम देशों में धन तो बहुत है पर हर तीसरा व्यक्ति हर तीसरा व्यक्ति या तो कोई ट्रांकुलेजर लेके सोता है या स्लीपिंग पिल लेके सोता है अब ये हालत अगर अपने देश की हुई तो किस काम की बात हुई ये विद्या सीख लेंगे अध्यात्म माने अपने भीतर क्या हो रहा है हम बहुत आतुर हो गए ये प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त करना चाहिए इसे दूर करना चाहिए उसे दूर करना चाहिए तो हम अगर अंदर जाएंगे इस विद्या से देखेंगे तो जैसे ही यूं करने लगे मन ने अपनी क्षमता खो दी अपना संतुलन खो दिया अपनी शांति खो दी अरे ये क्या करने लगे हमको चाहिए तो अच्छी बात जो चाहिए अपनी शांति खो के थोड़ी चाहिए जब शांति खो रहे हैं तब क्या प्राप्त करके क्या करेंगे उसको प्राप्त करके तो प्राप्त करने की जो जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए सारा काम करेंगे लेकिन साथ साथ भीतर की शांति नहीं खोएंगे क्षमता नहीं खोएंगे ये विद्या यही सिखाएगी खूब कर्मठ जीवन हो जाएगा दस दिन तो इस विद्या को सीखने के लिए घर बार छोड़ करके किसी ऐसी तपोभूमि में आके विद्या सीखो विद्या सीख करके फिर अपने काम में लगो जैसे आदमी बीमार हो जाए तो अस्पताल जाए तो अस्पताल में जीवन भर रहने के लिए थोड़ी जाता है अस्पताल गया अपना रोग दूर किया स्वस्थ हो गया सबल हो गया अब इस सबलता को स्वस्थता को इस्तेमाल करें अपने जीवन में इसीलिए भी प्रश्न है आपने जेल में जाकर बंदुओं को भी एक तरह से ये वना जो सिखाई है इससे आप क्या सोचते हैं उनको क्या लाभ होगा वो तिहार जेल में किस तरह के बंदी होते हैं उनके क्या बैकग्राउंड है क्या वो करके आए हैं वहां पर ये वना उनको कैसे मदद करेगी चाहे जेल के भीतर कोई बंदी हो चाहे बाहर अपने आप को स्वतंत्र समझने वाला व्यक्ति हो मैं तो देखता हूं सभी बंदी हैं तो भीतर जो विकार जगाए जा रहे हैं एक इस तरह का स्वभाव शिकंजा बना लिया उसी में जकड़ गए जब देखो तब राग जगाते हैं द्वेष जगाते हैं घृणा जगाते हैं अहंकार जगाते हैं व्याकुल हो जाते हैं तो ये जो बंधन है भीतर का ये उन बंदियों का भी वैसा ही है जो कारागार में है और बाहर वालों का भी वैसा है इसलिए विद्या दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसी उनके लिए कष्ट ज़्यादा है इस मानने में कि वो अपने परिवार से दूर पड़ गए अपने जो रोज़मर्रा के वो अच्छे काम भी थे परिवार पालन के उससे दूर पड़ गए और यूँ अलग रह करके उनको कम सुविधाओं में जीवन बिताना पड़ता है उसका एक उनके मन पर बहुत बड़ा दुख है दूसरा दुख जो हम लोगों में भी बाहर में जो हैं उनमें भी क्रोध जागता है द्वेष जागता है अहंकार जागता है इनको जब देखता हूँ तो इनमें कहीं ज़्यादा जागता है एक आदमी समझता है कि मैं ऐसे फंसा दिया गया यहाँ पर दरअसल मैं मेरा कोई अपराध नहीं है अब होगा भी कम होगा वो समझता है कि ये बढ़ा चढ़ा कर कर दिया गया यह हो सकता है बिल्कुल ना हो और कई तो ऐसे हैं कि जिनका अभी कोई निर्णय ही नहीं हुआ कैसे चल रहे हैं उनके मन में जो आक्रोश उठता है गुस्सा उठता है उस आदमी की वजह से मेरी हालत हुई उस जज की वजह से मेरी हालत हुई उस वकील की वजह से मेरी हालत हुई।, हुई बाहर निकलूंगा तो इसकी हत्या करूंगा अब भले फिर आना पड़े मुझे उसको ये करूंगा इसको ये करूंगा। वो करेगा या नहीं करेगा तो बात की बात है आज वो अपने आप को कितना दुखी बना रहा है जब जब ऐसे विचार उसके भीतर आते हैं बहुत व्याकुल हो जाता है इतना तनाव भीतर आता है अब ये विद्या जैसे जैसे सीखना शुरू किया अभी दस दिनों में ही समझ में आने लगा क्योंकि अंदर दिखाती है ना देख अभी भी तुझे गुस्सा आता है ना किसी आदमी पर गुस्सा है ध्यान करते हुए तेरी क्या हालत होती है बहुत तनाव है बहुत दुखिया रहे हो तो भाई गुस्सा करना तो दूसरे को नुकसान तो पीछे पहुँचाओगे और न जाने पहुंचाओगे कि नहीं पहुँचाओगे अपना नुकसान तो तुरंत करने लगे तुम अपने आप को व्याकुल बना रहे हो तो अपने आप पर आघात कर रहे हो कर क्या रहे हो धीरे धीरे उपदेशों से ही बात समझ में आती जब काम करने लगे काम करने लगे तो बात समझ में आने लगी। अरे ये क्या करने लगा मैं तो बस बदलाव आने लगा उसमें ऐसे बहुत बदलाव आए अच्छी <laughs> क्या करे ये भी भुगतना पड़ता है ये ऐसे जैसे बड़े तेज सूरज के नीचे बैठ जाए कोई आ... भारत के जेलों में आपने ही किया आप क्या सोचते हैं कि इसके बाद इस परिवर्तन को देखने के बाद विदोष विदोषों में जो जेल हैं वहाँ भी इस तरह से स्वीकार करेंगे ही क्योंकि सुधार की भूख सब जगह है बाहर के जो जेल हैं उनमें कैदियों के लिए सुविधा भले यहाँ से ज़्यादा है लेकिन बाकी तो बिल्कुल भीतर का माहौल तो वो का वो है और जो आदमी दो बरस चार बरस दस बरस जेल में जाकर आता है वो सुधर के नहीं आता और बिगड़ कर आता है उसके क्रोध अब बाहर और निकलते हैं उसके जितने भी दमन किए हुए विकार हैं जोरों से निकलते हैं वो समझते हैं कि हम जेल में सुधारने के लिए लाए लेकिन दंड से कोई सुधरता नहीं अब उपदेश तो बहुत देते हैं उनके पादरी आते हैं कि मौलवी आते हैं कि कोई पंडित आता है कि जो आता है उनको उपदेश देता है क्या असर होता है उन उपदेशों का थोड़ी देर असर हुआ भी फिर वैसे के वैसे तो वो भी खोज रहे हैं कि कोई ऐसी विद्या मिले ये संवाद जैसे ही विश्व में फैलेगा और बाहर के लोग भी आए थे यहाँ पर और उन्होंने देखा भी तो मुझे विश्वास है कि बाहर बड़े जोरों से चलेगा तिहार जेल में करीब एक हज़ार से ज़्यादा बंदियों, बंदियों ने इसमें भाग लिया बिल्कुल क्या आपका ये सबसे बड़ा शिविर था और इसकी क्या विशेषता थी सचमुच सबसे बड़ा शिविर था मानियो कैदियों के शिविर हुए 100 सवा 100 सौ सवा सौ की अनेक जेलों में हुए कैदियों के ने बाहर भी लोगों के हुए तो पाँच सौ के लगभग साधकों के शिविर तो हुए सुविधाएं भी होनी चाहिए दस दिन लोग रहें तो इससे ज़्यादा सुविधा नहीं थी ये पहला ही हुआ जिसमें कि एक हज़ार लोग शामिल हुए कहा ही जाता है आपके बारे में कि आपके गुरु सया जी ने बहुत पहले ये एक एक तरह की भविष्यवाणी की थी कि आप विपासना सिखाएंगे लोगों को बताएंगे इसका इसका प्रचार करेंगे क्या ये सही है उसके लिए तो उन्होंने तैयारी किया हमें कि वो चाहते थे कि ब्रह्मदेश पर भारत का बहुत बड़ा ऋण है इतना अनमोल रत्न भारत से मिला है और आज भारत के पास नहीं है भारत ने इसे खो दिया तो ये ऋण चुकाएं किसी तरह से वो खुद आना चाहते थे नहीं आ पाए तो ये सारी विद्या सिखा करके उन्होंने ऋण चुकाने के लिए भेजा भविष्यवाणी जो उन्होंने की वो इस बात की की कि, कि कभी तुम एक हज़ार साधकों को सिखाने का शिविर लगाओगे आया तो दस आदमियों का बीस आदमियों का तीस आदमियों का ऐसे शुरू हुआ सौ आदमियों का शिविर लगा और वहाँ वर्मा में सूचना मिली सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए कि देखो गोविंदका ने सौ व्यक्तियों का शिविर लगाया तब गुरु ने हंसकर कहा अरे सौ का नहीं हजार का शिविर लगाएगा तो भविष्यवाणी पूरी हो गई यहाँ आप किस तरह से इसमें आए आप बचपन से इस तरह का आपका ना आए हम तो सामान्य गृहस्थ हैं आज भी गृहस्थ हैं हमारे पुरखे हमारे पिता में बर्मा जाके बसे कुछ सौ वर्ष पहले तो वहीं जन्मा वहीं पला व्यापारी घर में जन्मा तो व्यापार में लग गया कम उम्र से ही धन कमाने में लगा और एक रेट रेस ऐसी होती है धन कमाने की आदमी पागल हो जाता है और सारी बातें एक तरफ घर में धन आना चाहिए तो उसका एक अपना तनाव धन आने लगा बहुत धन आया धन आया तो प्रतिष्ठा बढ़ी तो यहाँ प्रेजिडेंट वहाँ सेक्रेटरी यहाँ ट्रस्टी ये वो उसका एक अभिमान होता है मैं समाज का नेता तो ये सारे तनाव इतने ज़्यादा बढ़ गए कि बचपन से ही रोग तो था माइग्रेन का वो इतना तेज हो गया कि हर पंद्रहवें दिन बड़ा सीवियर अटैक आया उसका और डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं तो वो मोरफिया का इंजेक्शन देवें हर पंद्रहवें दिन मरफिया का इंजेक्शन यूँ चला तीन चार वर्षों तक उसके बाद जो फैमिली डॉक्टर था उसने कहा कि भाई ये गलत बात है हमारे पास कोई इलाज तो है नहीं लेकिन धीरे धीरे तुम तो मोरफिया एडिक्ट हो जाओगे यानी व्यसन लग जाएगा मोरफिया का फिर ऐसा होगा कि रोज़ मूर्फिया लेनी पड़ेगी तो बड़ी खतरनाक बात है तो उन्होंने कहा तुम अपने व्यापार धंधे के लिए बार बार विदेशों में जाते हो थोड़ी दिनों के लिए व्यापार भूलो और इस इलाज के लिए जाओ जो टाइप की माइग्रेन तुम्हें आती है उसका कोई इलाज नहीं है वर्ल्ड में लेकिन ये मूर्फिया से छुटकारा पा जाओगे विदेशों में कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेन किलर मिलेगा जो मूर्फिया छुड़वा देगा तो बहुत समय लगाया विदेशों में स्विट्जरलैंड में जर्मनी में इंग्लैंड में अमेरिका में जापान में बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया बहुत पैसा फूंका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा मूर्फिया भी नहीं छूटी तो मेरे सौभाग्य की बात हुई छूट जाती है, तो शायद ये विद्या मुझे नहीं मिलती तो वापस लौटने पर किसी ने कहा ये संत पुरुष है और दस दिन का शिविर लगाता है क्यों नहीं इनके पास जा कर के ये सीख लो मुझे लगता है कि तुम्हारे मेंटल टेंशन की वजह से माइग्रेन है वो टेंशन निकल जाएगी ठीक हो जाओगे तो बस इस कदर शुरू हुआ और वहाँ जाकर के ये विद्या सीखी उसके बाद अब उनके प्रथम वो बन गए होंगे भक्त बन गए होंगे ना ना वो तो ये पुरानी परंपरा बर्मा में दो वर्ष चली आ रही है हम कौन प्रथम होते वो तो बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे भारतीयों में मैं प्रथम था तब तक कोई भारतीय उनके पास सीखने नहीं गया तो मैं प्रथम गया मुझे बहुत अच्छा लगा तो मेरे जितने मित्र थे व्यापारी थे उद्योगपति थे अन्य सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम करता था तो वहाँ बहुत मित्र थे उनको प्रेरणा दे दे करके भेजा तो अनेक संख्या बड़ी संख्या में भारतीय भी जाने लगे आप अपने भाषणों में धर्म की बात करते हैं मगर आज के आज के जीवन में और भी समस्याएं हैं गरीबी की है जिससे जिससे क्या आप नहीं सोचते कि धर्म से ज़्यादा पहले आप गरीबी की बात करें दरिद्रता हटेगी तो उसके बाद धर्म भी आएगा दरिद्रता को हटाना ही धर्म है तब तो धर्म जुड़ जाना उसके पास हमारे लिए एक कठिनाई ये हो गई भारत में पिछले डेढ़ दो तो हजार वर्ष का अंधेरा है देश में कि लोगों ने धर्म का अस्तित्व खो दिया उसका अपना एक बहुत बड़ा अस्तित्व है हम धर्म कहते ही झट हमारे मन में प्रश्न आता है कौन सा धर्म हिंदू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म ईसाई धर्म भारत में ऐसे शब्दावली का प्रयोग होता नहीं था डेढ़ दो हजार वर्ष का कोई साहित्य पहले का उठा के देख लो वहाँ केवल धर्म है और धर्म कुदरत के कानून को कहते हैं विश्व के विधान को कहते हैं रित को कहते हैं स्वभाव को कहते हैं जैसे कहते हैं अग्नि का धर्म जलना है तो उसमें हिंदू बने बनेगी बौद्ध बने बनेगी जैन बने क्या बात आई उसका धर्म है जलना ऐसे ही हमारे यहाँ के ऋषियों ने मुनियों ने बुद्धों ने अरहंतों ने देखा कि जो मन में विकार जगाते हैं तो विकारों का धर्म है व्याकुल बनाएगा और विकार निकल जाए थोड़ा शांत हो जाएगा सुखी हो जाएगा अब जो बाकी समस्याएं हैं पारिवारिक सामाजिक अगर हम व्याकुल मन से उन समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं कैसे कर पाएंगे भीतर से हम इतने व्याकुल हैं हमारे मन का संतुलन खोया हुआ है मन की शांति खोई हुई है और हम चाहें कि बाहर जो काम करें उसमें सफलता मिले नहीं सफलता मिलेगी तो जो बाकी समस्याओं की बात कर रही हो वो सारी की सारी समस्याएं इस एक जड़ को सुधारने से उनका समाधान होगा मतलब तो जिस समाज में रोटी नहीं है कपड़ा नहीं है दूसरी समस्याएं हैं उसके लोग धर्म की कहाँ सोच सकते हैं उनको तो रोज़ का अपना रोटी खाने की नहीं मिलती बिल्कुल लेकिन रोज़ की रोटी खा करके हमारे पास जो शिविर लगते हैं मेन सेंटर में इगतपुरी में और जगह भी ऐसा है लगभग 20 परसेंट लोग झोपड़पट्टी के आते हैं अब उनको तो रोज़ कमाएं तो रोज खाएं दस दिन अपना छोड़ करके यहाँ आए यही उनके लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है बड़ा बलिदान है क्यों आते हैं वो आने के बाद दस दिन गुजरता है तो देखते हैं कि जीवन ही बदल गया उनके घर वाले आकर के हमको धन्यवाद देते हैं नमस्कार करते हैं गरीब से गरीब आदमी भी व्यसनों में पड़ गया जो कमाता है उससे आधे से ज़्यादा शराब में घुमा देता है सट्टे में ये जुए में घुमा देता है मटके में घुमा देता है घर तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा लेकर आता है और ये विद्या ऐसी है कि दिन काम करते करते सब छूट जाएगा छूट गया तो अब जो कमाता है थोड़ा कमाए कि बहुत कमाए सारा घर के काम आने लगा ना बाल बच्चों में काम आए परिवार को सुखी रखने के काम आए और फिर उसकी काम करने की योग्यता इतनी बढ़ती है कि वो प्रोग्रेस करना शुरू करता अपने काम में तो कमाई ज़्यादा होने लगती है ये उसके लिए बहुत आवश्यक है उसको दूर ले जाने की बात नहीं आ, आज के युग में सब लोग अपनी अपनी शांति अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं बिल्कुल तो आप क्या समझते हैं विपासना से ईश्वर मिलेगा या सब कुछ कोई भी साधना करो ईश्वर मिल जाएगा आप किसको ईश्वर कहें हमारे लिए तो सत्य ही ईश्वर है परम सत्य परमेश्वर है विपस्या जब आदमी करने बैठता है तो एक ही उसका नियम होता है कि जो जो सच तेरी अनुभूति पर उतर रहा है उसे छोड़कर और कोई आलंबन नहीं क्या हो रहा है वो सत्य है क्योंकि तुझे अनुभव हो रहा है उस अनुभूति के सत्य के सहारे 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 चलो तो ईश्वर के सहारे 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 चल रहा है और फिर ये शरीर और चित्त के परे की अवस्था पर पहुंच जाएगा जो नित्य है शाश्वत है ध्रुव है उसे लोग परमात्मा कहें आत्मा कहें नामों में क्या पड़ा है वो परम निर्मल अवस्था है वहाँ तक पहुँच जाएगा आदमी एकदम बदल गया तो तरीके और भी हो सकते हैं हम किसी का निंदा नहीं करते विरोध नहीं करते हमने भी अनेक तरीके अपनाए और फिर ये विद्या मिली हमें तो पहले तो झिझक हुई कि इसमें कहीं कोई व्यक्तिगत ईश्वर तो है नहीं पर्सनल गॉड नहीं है कहीं इस सारी विद्या में कहीं ज़रूरत नहीं उसकी तो ये क्या कर रहे हैं हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे और जब करने लगे तो करते 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 सारी बात समझ में आ गई कि कर क्या रहे हैं हम हमारे अंतर्मन की गहराइयों में जो विकार हैं अनेक जन्मों से इकट्ठे किए कोई नहीं मानता अनेक जन्म तो न माने इस जन्म में भी कम नहीं इकट्ठे किए जो संग्रह है जब तक विकारों का संग्रह भीतर है चैन नहीं है शांति नहीं है और वो विकार बार बार हमारे सामने नए नए दुख पैदा करेंगे उनका फल आएगा ये साधना उनको बाहर निकालती है और साधनाएँ ऊपर लेप लगाती है विकार भीतर है और हमारे कॉन्शियस माइंड पर चेतन चित्त पर बहुत मोटे मोटे लेप अच्छे लेप लग गए बड़े खुश हैं उससे भीतर के विकार वैसे के वैसे रहे तो ये हमने अन्य साधनाओं से और इससे ये जो अंतर देखा कि ये तो सीधा ही मन का ऑपरेशन करते करते अंतर मन की गहराइयों में जाके जड़ों में से विकार निकालने का काम करती है मुझे ये बहुत ठीक लगा हमने सुना है कि आपकी उम्र सत्तर के करीब है आप अपने जीवन में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या समझते हैं इससे बढ़कर उपलब्धि क्या होती कि जो अमृत मुझे मिला और इतना व्याकुल रहने वाला व्यक्ति इतना दुखियारा व्यक्ति इतना अहंकारी व्यक्ति इतने विकारों से भरा हुआ व्यक्ति और जब उससे मुक्त होकर के जो शांति मुझे मिली वो शांति बंटने लगी और लोगों ने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया जब ब्रह्म देश से यहाँ आया तो एक झिझक थी मन में कि भाई कोई मुझे जानता नहीं और मैं सन्यासी नहीं उस रूप को देख के लोग आ जाए उनसे कुछ सीखने के लिए मैं तो गृहस्थ हूँ और ये विद्या ऐसी कि दस दिन साथ रहना पड़ेगा कौन घर बार छोड़ के मेरे साथ दस दिन रहेगा कौन व्यवस्था करेगा मेरी ये शिविर लगे तो भाई ये चलने वाली बात नहीं है लेकिन गुरु महाराज ने कहा चलेगी तो चलो ट्राई करते हैं कोशिश करते हैं आते ही पहला शिविर चौदह आदमियों का लगा और उसके बाद जो गंगा धर्म की बहने लगी तो ये बड़ी भारी उपलब्धि मन इतना प्रसन्न होता है इतने मुरझाए मुरझाए चेहरे लेकर के लोग आते हैं किसी को कुछ दुख है किसी को कुछ दुख है दसवें दिन मुस्कराते हुए जाते हैं और वो मुस्कुराहट कायम रहती है पत्र आते रहते हैं महीने बाद छः महीने बाद बारह महीने बाद सुधार हुआ है मेरा जीवन बड़ा सुखी हो गया है उनके परिवार वालों के आते इससे ज़्यादा प्रसन्नता क्या होगी कोई भूखे को रोटी दे करके प्रसन्न होता है उसकी भूख मिटाई रोगी को दवा दे के प्रसन्न होता है उसका रोग मिटाया अरे ये तो इतना बड़ा रोग मिट जाएगा सारे दुख दूर हो जाएंगे प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं इससे बड़ी उपलब्धि और हो नहीं सकती कट कट चलो जी थोड़ा विश्राम मिला अभी, हमें <laughs> हम्म सम, हम समझ गए <laughs> ये तो दिन रात होते रहता है हमें विश्राम मिला थोड़ा पसीना पसीना पोछने के नहीं तो बेटी गई के, के पसीना पोछो 20 मिनट कहा कि जी ये 20 मिनट हो गए हैं 20 मिनट का थोड़ा सा घंटे का भी आता है जी हाँ अच्छा है 20 मिनट वाला अच्छा बढ़िया एकदम इसी पर ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर करें मानो सामने बहुत सी और तो वो हम... नहीं वो आप कर रहे हैं वही करना चाहिए आपने इशारा किया कि इसी पर ध्यान तो मुझे जरा फिर ऐसा लगेगा कि हम बनावटी है हाँ, किसी एक क्यों क्या हाँ। लोग बैठे हैं सामने समझा रहे हैं लेंस पे देखना इसका मतलब कि आप लेंस की ऑडियंस को कर रहे हैं बट ऐसा लगना नहीं चाहिए हाँ, आप इधर हाँ। ही देखें <laughs> ये हिस्सा तो नहीं आता ना नीचे का जी नहीं तो रुमाल पड़ी रहे ठीक है जिस शांति की आप बात कर रहे हैं जिस शक्ति की आप बात करें जिसे आप फैला रहे हैं आप उसको विश्व भर में इतने करोड़ों लोग हैं इतने सारे देश हैं उसमें कैसे फैलाएंगे हम भी जानते हैं कि बहुत बड़ा काम है सामान्य बात नहीं है सारे विश्व भर में कोई रोग फैला हो और उसे दूर करना है पर कहीं से शुरुआत तो हो इसी मारे आदमी निराश होकर बैठ जाएगी इतना बड़ा काम है कैसे होगा चलो छोड़ो इसे शुरू तो हुआ ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा व्यक्ति व्यक्ति से ही फैलेगी बात सारा दुख व्यक्तियों का है समाज तो व्यक्तियों से बना है और व्यक्ति अगर सुधरने लग जाएंगे उनके दुख दूर होने लगेंगे तो होते होते समाज के भी हो जाएंगे इस पीढ़ी में नहीं होंगे अगली में होंगे उससे अगली में होंगे शुरू तो किया ये देखा गया है बहुत से संस्थान कुछ दिनों के लिए बढ़ते हैं शक्ति पाते हैं और उसके बाद उनका जो मेन मेंटर चला जाता है जब मेन फोर्स चला जाता है तो वो ढीले पड़ने लगते हैं तो आप क्या सोचते हैं आपने ऐसी कौन सी सावधानी ली है जिससे कि आपके बाद ये संस्था ढीली ना पड़े हम अपने आप को मेन मेंटर मानते ही रहे ये विद्या ही अपने आप में मेन मेंटर है ऐसी विद्या है कि जिसमें गुरु का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है गुरु केवल मार्गदर्शक है हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना पड़ता है वो केवल रास्ता बताएगा कि इस तरह चलो तो ऐसे रास्ते बताने वाले लोग तैयार कर रहे हैं आज भी इस समय लगभग अढ़ाई सौ लोग ऐसे हैं जो अपने निस्वार्थ भाव से सारे विश्व में काम कर रहे हैं ऐसे दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे कुछ सीखता है उसको कल्याण होता है उससे रहा नहीं जाता वो कहता है कि औरों को भी बांटूँ औरों को भी बाँटूँ जहाँ पर ये हो कि गुरु कृपा से कुछ होगा अब गुरु चला गया तो कौन कृपा करे ये लोग तो उसके चेले चाँटते हैं क्या करेंगे ऐसा होता है इसलिए खत्म हो जाता है मैं नहीं समझता कि यह खत्म होगा सदियों तक चलेगा क्योंकि विद्या ऐसी है खत्म कब होगा जबकि इस विद्या की शुद्धता नष्ट कर देंगे भारत ने 500 सौ बरस तक इसका बड़ा लाभ लिया 500 सौ बरस के बाद ये विद्या भारत से लुप्त होते होते समाप्त हो गई और उसका कारण मुझे ही नज़र आता है कि हर संप्रदाय वाले ने इस विद्या को लिया इसका लाभ उठाया उसमें अपनी कोई बात जोड़ी अपनी कोई दार्शनिक मान्यता की बात जोड़ी अपने कोई कर्मकांड की बात जोड़ी कोई अपने संप्रदाय को बांधे रखने के लिए बेड़ा बांधे रखने के लिए कोई बात जोड़ी बस इसकी शक्ति कम होते 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 ये समाप्त हो गई भारत से और देशों में गई समाप्त तो हुई बर्मा ने इसलिए कायम रखा कि थोड़े से लोग ऐसे हुए कि इस विद्या में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे इसमें से कुछ नहीं निकालेंगे और उस शुद्ध रूप में गुरु शिष्य परंपरा से कायम रखी तो आज कायम रहे ऐसे ही अगर इस विद्या में कोई सम्मिश्रण नहीं किया तो बहुत कल्याण करेगी और गुरु रहे ना रहे कोई मायने नहीं रखता विद्या रहनी चाहिए इसका क्या कारण है कि इतने अलग देशों में इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं भाषा भी कभी कभी अलग है उनकी मगर फिर भी वो इस आ, इस इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं ऐसा क्यों है भिन्न भिन्न भाषा वाले हों भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले हों भिन्न भिन्न जाति के हों भिन्न भिन्न रंग रूप के हों कोई फर्क नहीं पड़ता भीतर से आदमी आदमी है और वो विकार जगाता है तो व्याकुल होता है हर आदमी जब विकार जगाएगा तो व्याकुल हो ही जाएगा और ये देखता है कोई आकर के कि ये विद्या ऐसी है जो विकार निकालती है और शांति मिलती है एकदम आकर्षित करती है उसे तो इसलिए कोई भेद होता नहीं इसमें जहाँ पर ये हो कि हमें किसी संप्रदाय में बांधना है वहाँ भेद होगा कि तो लोगों को बौद्ध बनाना है कि हिंदू बनाना है कि जैन बनाना है वहाँ कठिनाई खड़ी हो जाएगी हम कहते हैं हिंदू हो तो हिंदू रहो अच्छे हिंदू बनो मुसलमान हो मुसलमान रहो अच्छे मुसलमान बनो कोई कठिनाई नहीं आती लोग आते हैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कोई अस्पताल जाता है अपना रोग निकालने के लिए वहां को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए थोड़ी जाता है तो ऐसे रोग निकल गया खुश हो गया अपने काम में लग गए ऐसे मन के रोग निकलते हैं बहुत प्रसन्नता से इस विद्या को स्वीकार करते हैं आपने देखा है आपके शिविर में जो भी लोग आते हैं बड़े दुखी आते हैं उनके मन में कोई अशांति होती है क्यों है इतनी अशांति क्यों दुख होता क्यों है बाहर बाहर के तो पचासों कारण हैं लेकिन चाहे जैसा कारण हो बाहर का बाहर के दुख होने के सारे कारण दूर कर दें फिर भी आदमी दुखियारा रहता है जो बहुत धनवान है जो बहुत हर तरह की सुविधाओं का जीवन जी रहा है उसको भी रात नींद नहीं आती तो ये बाहर बाहर के कारण ही प्रमुख नहीं है प्रमुख ये है कि हम भीतर अपने मन को मैला करते रहते हैं तनाव पैदा करते रहते हैं विकार पैदा करते रहते हैं ये आदत छुट्टी इस स्वभाव शिकंजे के बाहर निकला कि फिर बाहर की परिस्थिति हमको उतना व्याकुल नहीं बनाएगी बना नहीं सकती तो क्या हम बचपन से ही इस गलत सर्कल में पड़ जाते हैं क्या हमको शुरू से ही अपने बच्चों को अलग तरीके से बड़ा करना चाहिए बिल्कुल ये तो विद्या एक जीवन जीने की कला है कैसे हम अपने भीतर सुख शांति का जीवन जिये जी और कैसे बाहर के वातावरण में भी औरों के लिए सुख शांति का निर्माण करें यह विद्या का यही लक्ष्य है तो छोटी उम्र से जब स्कूलों में बच्चा जाने लगा तब से ही ये विद्या उसे सिखानी चाहिए उसके सामने सारा जीवन पड़ा है अभी से अच्छी विद्या सीख लेगा तो ये जो देश में दिन रात धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े मार काट तोड़ा फोड़ी होती है वो उस झाँकेगा भी नहीं वो निकम्मा लगेगा उसको अब समझने लगेगा धर्म क्या होता है चित्त को निर्मल करना धर्म है चित्त में सद्गुण जगाना धर्म है भाईचारे से रहना धर्म ये बात उसको तो समझ में आने लगेगी उपदेशों से नहीं अनुभूति से समझ में आने लगेगी तो ये तो सारे राष्ट्र के लिए एक ऐसा रास्ता है कि नई जनरेशन हमारी बिल्कुल सुख शांति का जीवन जीने वाली बने आप किस तरह से इस संस्था को चलाते हैं किस तरह से क्या लोगों से फीस लेते हैं या कंट्रीब्यूशन लेते हैं मतलब इसकी फंडिंग कैसे होती है आप किस तरह से इसको बढ़ा रहे हैं कई बार ऐसा होता है विदेशों में गया तो वहाँ भी ये प्रश्न खड़ा होता है यहाँ भी होता है कि आप इसकी फीस क्यों नहीं लेते कोई चार्ज क्यों नहीं करते लोग भूल गए कि अपने आप भारत की जो परंपरा थी पुरानी धर्म अनमोल होता है उसका कोई क्या मूल चुकाएगा एक आदमी अपने जन्म जन्म के दुखों के बाहर निकल जाए उसका क्या कीमत चुकाएगा और जिस दिन धर्म को किसी ने व्यवसाय बना लिया कि लो तुझे ये विद्या सिखाता हूँ लाओ इतने पैसे उसको अपनी आजीविका बना ली उस दिन धर्म धर्म नहीं रहता फिर वो पंडे पुजारियों का मौलवियों का पादरियों का मन उनमें भले आदमी है सब ऐसे नहीं है लेकिन जिन्होंने अपना आजीविका बना ली है उसी तरह से ये विपचना भी, भी एक आजीविका का साधन हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा इसलिए परंपरा से ही ऐसे है पुराने समय से ऐसे है कि इसकी सिखाई का कुछ चार्ज न किया जाए एक कारण ये भी है कि अगर फीस रख दी गई तो जो समर्थ है वो तो फीस दे करके इसको प्राप्त कर लेगा अरे इतने लोग पढ़े हैं बेचारे जैसे झोपड़पट्टी के लोग आते हैं बताया अब उनका तो दस दिन का अपना काम छोड़ के आना ही बहुत बड़ी फीस है उनको कितना बड़ा सेक्रीफाइस अब उस पर से कहें कि तुमको पाँच सौ देना पड़ेगा तो तो वंचित रह जाएंगे वैसे आदमी आ ही नहीं सकेंगे तो धर्म तो सबके लिए है दुख सबको है दुख के बाहर सबको निकलना है तो इसलिए फीस नहीं दूसरी बात दस दिन रखते हैं खाने का खर्चा रहने का खर्चा और अन्य सुविधाओं का खर्चा वो तो कम से कम चार्ज करो लोग कहते हैं वो भी चार्ज करते ही फिर बनिएपने की बात आ गई व्यावसायिकता की बात आ गई अरे कोई नहीं दे सकता है कोई दे सकता है सबके लिए फ्री अब शिविर समाप्त होने पर ये विद्या का थोड़ा सा भी लाभ और तत्काल लाभ आता है विद्या आज सीखो लाभ आएगा दस बरस के बाद ऐसा नहीं होता या मरने के बाद ऐसा नहीं अभी आएगा दसों दिन देखता है कि अरे मुझे इतनी शांति मिली मेरे इतने विकार निकले एक रास्ता मिल गया मुझको अच्छे तरह से जीने का ऐसा तो सबको होना चाहिए ना सारे लोग दुखियारे हैं ना मैं इसमें क्या कर सकता हूँ तो वो जो कंट्रीब्यूट करता है दान देता है वो अपनी शुद्ध चित्त से और शुद्ध मनोकामना से कि लोग का कल्याण हो उसी से सारा काम चलता है एक आखिरी प्रश्न में आपसे पूछना चाहती थी हर एक चीज के आजकल शॉर्टकट होते हैं एक वन पॉइंट फॉर्मूला होता है तो ये, ये लोभ काम क्रोध इसको कम करने का शांति पाने का क्या क्या आप संदेश देते हैं सबसे शॉर्टकट यही है हम अपने मन को किसी अन्य आलंबन पर लगा लें तो लगेगा कि शॉर्टकट हो गया भीतर विकार जागा जैसे गुस्सा जागा हम बहुत व्याकुल हुए और हम नहीं चाहते हम व्याकुल हों हम समझते हैं गुस्सा नहीं आना चाहिए गुस्सा कैसे खत्म हो तो अपने मन को कहीं और लगा लेंगे कोई आलंबन में जिसको जो अच्छा लगे किसी देवी में देवता में ईश्वर में ब्रह्म में किसी नाम में किसी मंत्र में किसी रूप में किसी आकृति में किसी तरह अपने मन को लगा लेगा तो लगा कि हम अपने दुखों से दूर हो गए और तुरंत देखो इसका इलाज मिल गया वो इलाज नहीं है वो ऊपर ऊपर से लगे हमारे दुख भी निकल गया हमारे विकार निकल गए दरअसल हमने विकारों को नीचे दमन कर लिया अंतर मन की गहराइयों में विकार जाते चले गए छुटकारा नहीं हुआ वो कभी भी ज्वालामुखी की तरफ फूटेंगे ये विद्या देखने में लगती है कि भाई जीवन के दस दिन देने पड़ते हैं इसको सीखने में लेकिन वो दस दिन देने इतने उपयोगी हैं कि उससे हम ये सीख जाते हैं कि जड़ों से निकालो दमन मत करो शमन करो उभरने दो क्रोध आया है तो क्रोध आया है आया है देख रहे हैं देखते देखते उसके परते उतरते चलेगी छुटकारा हो गया वासना जागी है जागी है भय जागा है जागा है अहंकार जागा है जागा है हम केवल देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहे और यूं उसके परते उतरते 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 निकल जाती है तो बड़ा वैज्ञानिक ढंग से हम अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं मुझे तो इससे जल्दी असर करने वाला कोई रास्ता और मिला नहीं धोखे की बात अलग हो और कोई रास्ता नहीं बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया